नमस्कार मित्रों, दास्तान जेपीएससी शीर्षक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का शीर्षक हमने दास्तान जेपीएससी इसलिए रखा है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने युवाओं के सपने को पिछले 3 साल 4 सालों में खंड खंड करके रख दिया है। छठी जेपीएससी के नोटिफिकेशन से लेकर अभी तक ऐसा ग्रहण लगा है जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। 6 जेपीएससी की कहानी यह है कि किसी थ्रिलर या सस्पेंस मूवी से किसी भी तरीके से कम नहीं है। इसके 2 बार नोटिफिकेशन आ चुके हैं, 3 बार प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया जा चुका है रिवाइज करके। इस पर लगभग 3 केसेज हो चुके हैं जिसमें 2 फेमस केस हैं, देव कुमार वाद और पंकज पांडे वाद, जिसका पंकज पांडे वाद के केस का हम विस्तार से जिक्र करेंगे आगे, जिसका कि अभी ही जिसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया है। इसके बाद इसकी मुख्य परीक्षा का भी आयोजन किया जा चुका है जेपीएससी के द्वारा। जेपीएससी की जो फर्स्ट बार जेपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया वो 23 फरवरी 2017 को किया। कुल सीटों यानी 326 सीटों के अगेंस्ट में 5138 यानी 15.76 गुना बच्चों को पास घोषित किया गया। इसके बाद BC1 और BC2 के आरक्षण को लेकर मुद्दा सामने आया और इसके बाद आयोग ने रिवाइज रिजल्ट जारी करते हुए 6103 बच्चों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया, जो कि 18.72 गुना था। इसके बाद छात्रों के दबाव और लोकप्रियता के चक्कर में सरकार के दबाव में आयोग ने तीसरी बार रिजल्ट को रिवाइज किया और टोटल रिजल्ट जो 6103 था उसकी संख्या बढ़ाकर 34634 कर दी गई, यानी कि 106 गुना, जो कि आज तक किसी भी PCS राज्य लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि लगभग आधे बच्चे को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित कर दिया गया। इसके बाद जो पहले रिजल्ट में पास विद्यार्थी थे उनके मन में एक संशय की स्थिति उत्पन्न हुई कि किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए इतनी बड़ी संख्या में कॉपियों का मूल्यांकन कराना और भी सही तरीके से मूल्यांकन कराना सक्षम नहीं हो पाएगा। उन्होंने इसका विरोध किया, अंतिम समय तक विरोध किया, लेकिन आयोग ने इस विरोध को नज़रअंदाज करते हुए मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया। इसमें बहुत सारे जो प्रथम लिस्ट में पास विद्यार्थी थे उन्होंने मुख्य परीक्षा का बहिष्कार भी किया। इसके बाद अभी हाल ही में पंकज पांडे के केस में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जो तीसरा रिजल्ट जारी किया गया था वो कानून की दृष्टि से लीगल तरीके से सही नहीं था। आयोग ने उन्हीं बच्चों के मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को जारी करने का आदेश दिया है जो पहले यानी कि जो पहली बार प्रीलिम्स के रिजल्ट जारी किए गए थे उनमें वो पास घोषित किए गए थे। अब जो 30,000 विद्यार्थी हैं उनके मन में संशय की स्थिति है। उनका एक गुट का मानना है कि उनके साथ अन्याय है। अगर इस तरीके की कोई बात थी तो आखिर तीसरे बार रिवाइज रिजल्ट करके रिजल्ट जारी क्यों की गई? क्योंकि एक बच्चे को मुख्य परीक्षा देने में अगर न्यूनतम जो खर्चे आते हैं वो कम से कम 10 से 15 हज़ार आते हैं। आयोग ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य परीक्षा में जो शुल्क लिया गया था उसे वापस कर देगा, लेकिन क्या उन गरीब विद्यार्थियों के 15,000 और 1.5 साल के जो मेहनत है उसे वापस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आखिर JPSC क्रिस्टल क्लियर तरीके से नियम को ड्राफ्ट क्यों नहीं करता ताकि इस तरीके की समस्या सामने ना आए? जो पब्लिक सर्विस कमीशन 3 साल में 326 पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सकता, आखिर उससे अधिकार छीनकर संघ लोक सेवा आयोग को क्यों ना दे दिया जाए? क्योंकि संविधान में यह नियम है कि अगर कोई राज्य लोक सेवा आयोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है तो उसके अधिकार को लेकर संघ लोक सेवा आयोग को दिया जा सकता है।
आखिर उन युवाओं का क्या दोष है जो कि दिन रात मेहनत करते हैं त्योहारों के सीज़न में भी। अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है, दिवाली छठ आने वाला है, दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ है, उन त्योहारों में भी अपने घरों से मीलों दूर रहते हैं। आखिर उन विद्यार्थियों का क्या कसूर है? अगर कोई PCS की तैयारी कर रहा है और 4 साल तक एक PCS की अगर पूरी प्रक्रिया भर्ती कंप्लीट नहीं होती, BPSC ने इन 4 सालों में लगभग 3 PCS की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया है, तो आखिर JPSC ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या संसाधन की कमी है? संसाधन के मामले में किसी भी तरीके से कमी नहीं है झारखंड में, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? राज्य सरकारें चुप क्यों हैं? संघ जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, उसे संविधान से अधिकार प्राप्त होते हैं, उसके अध्यक्ष को राज्य सरकार हटा भी नहीं सकती है। तो जब इतने संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं तो आखिर क्या मजबूरी है कि एक PCS का एक परीक्षा का आयोजन 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? आखिर वो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं? छात्रों की एक मात्र डिमांड है कि JPSC या तो पूरी प्रक्रिया को 1 साल में कंप्लीट करे आगे, जो 7वीं 8वीं और 9वीं JPSC की परीक्षा आने वाली है उसमें जो भी नोटिफिकेशन आए वो पूरी तरीके से इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाए कि उस पर किसी भी तरीके का रिजर्वेशन से लेकर या कोई भी इशू कोर्ट में नहीं ले जाए, चैलेंज नहीं किया जा सके। क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसी में एम्बिग्विटी रखेंगे तभी कोर्ट के दखल देने की संभावना होती है। अगर आपके सारे नियम संविधान के सम्मत होंगे, नेचुरल जस्टिस के सम्मत होंगे, तो किसी भी तरीके से वो कोर्ट में अगर कोई चैलेंज करता है तो कोर्ट में वो टिक नहीं पाएगा। तो छात्रों की एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को निपटाया जाए, उसका निष्पादन किया जाए और इसके बाद यथाशीघ्र 7वीं 8वीं और 9वीं JPSC की नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इस परीक्षा को 1 साल के अंदर पूरी प्रक्रिया को पूरी की जाए। इसके लिए छात्रों को एकजुट होना होगा और किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स आपको एक ही चीज़ ऊपर रखनी होगी, वो रखनी होगी छात्र हित। अगर आप छात्र हित को ऊपर नहीं रखोगे तो कोई भी नेता आपके पक्ष में आज के डेट में खड़ा नहीं होगा। अगर आप छात्र हित की बात में आगे आएंगे तो ज़रूर आपकी मांगें सुनी जाएंगी और आपकी मांगों पर एक्शन लिया जाएगा। अब समय आ गया है कि JPSC के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाए, या तो JPSC में बड़े पैमाने पर तबादला किया जाए, नई बोर्ड बनाई जाए, नए चेयरमैन की नियुक्ति की जाए और इसके बाद 7वीं 8वीं और 9वीं JPSC की फ्रेश और नियमित समय में जो नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। धन्यवाद। एक बात और ध्यान देने की है, इस केस के बाद JPSC ने एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें 7 से 20 जनवरी 2020 के बीच साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए 6 JPSC का डेट रखा है। जब अभी मैटर क्लियर नहीं है तो JPSC को सबसे पहले इस मैटर को क्लियर करना चाहिए था, इसके बाद इंटरव्यू की डेट रखनी चाहिए थी। क्योंकि अगर फिर इंटरव्यू होता है फिर छात्रों के साथ कोई खिलवाड़ हो सकता है, फिर से रिवाइज रिजल्ट आ सकती है, तो कोई भी कदम उठाने से पहले JPSC को अब सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। JPSC ने अपने कैलेंडर में 7, 8 और 9 JPSC के लिए डेट भी जारी कर दी है, मुख्य परीक्षा की भी तिथि जारी कर दिया है और साक्षात्कार की भी तिथि जारी कर दिया है, लेकिन उसकी जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए जब तक यही बोर्ड रहेगा, यही अध्यक्ष रहेंगे, विश्वास नहीं होता कि जो टाइम टेबल जारी किया गया है उसमें परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो अपने आप में छात्र हित में होगा, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो केवल झारखंड लोक सेवा आयोग के भरोसे ना रहें। बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उसमें भी सम्मिलित हों। और बिहार लोक सेवा आयोग तो एक ऐसा आयोग है जो कि बाहर के विद्यार्थियों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करता है। आपने देखा होगा 63वीं BPSC का अंतिम परीक्षा परिणाम पर अंतिम परिणाम जो जारी हुआ है उसमें जो टॉपर है वो बिहार का कोई विद्यार्थी नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश का है। तो आप अगर झारखंड के निवासी हैं तब भी
बिहार और उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा जो PCS की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें फॉर्म भरें, क्योंकि JPSC की स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो कैलेंडर जारी किया गया है उसे लागू किया जाए और जब नोटिफिकेशन आए तो बिल्कुल उसमें एम्बिग्यूटी नाम की कोई भी चीज़ ना रहे। धन्यवाद।